सारदी की उपस्थिति है मंच पर। आदरणीय श्री राजकिशोर जी बैठे हैं, व्याख्या माँ जी बैठी हैं, रविंद्र सर बैठे हैं, बलवंत सर, अमित हर सर, कितने भी मैं नाम लूँ, सब हमारे आदरणीय हैं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। नीचे जो सभी लोग बैठे हैं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हास्य का कवि हूँ और सीधे सीधे आपको हास्य के कुछ मुक्तकों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है भाई। और मेरी बात को गंभीरता से ना लीजिएगा, क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ और मैं आदेश मांगता हूँ। सीधे सीधे मैं अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल, पूरा आदेश है। मैं आलोक भाई की तरह इतना लंबा चौड़ा भाषण तो नहीं दे पाता, सीधे सीधे पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, पढ़ो पढ़ो। ये व्यंग था। आप लोग एक बार ताली बजाकर आदेशित कर दीजिए, मैं पंक्तियां शुरू करता हूँ। कि आंखों में ये कैसी खुमारी दे गया मुझे, अच्छा आंखों में ये कैसी खुमारी दे गया मुझे, और अपने वो प्यार की उधारी दे गया मुझे, अपने वो प्यार की उधारी दे गया मुझे। और अगली पंक्ति पर जितने भी लोग हैं, खामोश ना हो किसी के हाथ, कि अपने वो प्यार की उधारी दे गया मुझे। मैंने कहा रखूं कहां संभाल के ये दिल, वो गोदरेज की अलमारी दे गया मुझे। क्या बात है भैया, क्या है, आपके पास दिल की मात्रा अधिक होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, इस वजह से अलमारी देनी पड़ेगी। और अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो तालियां बजाकर समर्थन कीजिएगा। चार पंक्तियां से रखता है, पढ़ो भाई। स्वागत है, वाह। कि हाथ मृत्युंजय भाई के लिए एक शेर, एक ये मुक्तक समर्पित है। और आगे आ जाओ, आगे आओ मृत्युंजय, आगे आके बैठो भाई। आकाश भाई, मृत्युंजय सब आगे आ जाए। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ और एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। टिप्पणी क्या, मैं एक बात आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे कठिन काम मुझे लगता है माजी, वो किसी बच्चे को जन्म देना होता है। सही है। और उससे भी कठिन काम है उसका लालन पोषण करना, और उससे भी कठिन काम है उसको अच्छे संस्कार देना। मैं एक अगर एक बड़ी बात ना कह रहा हूँ, एक अच्छी बात कह रहा हूँ, तो आप सभी का समर्थन मिले कि दुनिया में सबसे कठिन काम है एक बच्चे को जन्म देना, और उससे भी कठिन काम है उसका लालन पोषण करना, और उससे भी कठिन काम है उसको अच्छे संस्कार देना। मुझे लगता है कि ये तीनों काम आदरणीय माजी और मृत्युंजय भाई की मम्मी दोनों कर रही है। एक बार सभी मायर कर रही है देश की, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। पिछले पंद्रह दिनों से इस कार्यक्रम को सजोने में मृत्युंजय भाई लगातार लगे हुए हैं। मैं अपनी थोड़ी सी व्यस्तताओं के कारण थोड़ा समय नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चार पंक्तियां मैं मृत्युंजय भाई के लिए रखता हूँ। कि हाथ पे हाथ धर के वो मलने लगे, हाथ पे हाथ धर के वो मलने लगे, और दूर ही दूर मुझसे वो चलने लगे। अच्छा। और उसने एक दिन दिया था गुलाब मुझे, उसने एक दिन दिया था गुलाब मुझे, दोस्त सारे मेरे मुझसे जलने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। दोस्त सारे मेरे समर्थन, ये माला नहीं है। चार पंक्तियां और रखता हूँ। कि उसके गर्दन का मैं तो तिल बन, नई पंक्तियां मानसु भाई तुम्हारे लिए। कि उसके गर्दन का मैं तो तिल बन गया, धन्य भाई सुनिएगा। कि उसके गर्दन का मैं तो तिल बन गया, और अधर उसके मिले तो दिल बन गया। एक दिन अच्छा। 3,500 का बिल बन गया। क्या बात है। 3,500 का बिल बन गया। एक पंक्ति और रखता हूँ, मुक्तक रखता हूँ। कि यूं ही नैनो, धन्यवाद भाई आपके लिए। कि यूं ही नैनो से नैन मिल जाएगा, अच्छा। यूं ही नैनो से नैन मिल जाएगा, सुबह ना ही मिले रैन मिल जाएगा, और इसका नंबर नहीं तो उसका मिले, अच्छा। इसका नंबर नहीं तो, अगली पंक्ति पर कोई भी आंख खामोश न रहे, कि इसका नंबर नहीं तो उसका मिले,
विकास भाई की। अच्छा, ये सबसे बड़ा साहस है ये कहना सामने इशारा करते हुए जब ये कहता है इसका नंबर नहीं उसका, तो ये साहस का काम है। यहाँ तो तुम्हारे मतलब यहाँ तो अपने लोग सब बैठे हुए हैं, लेकिन आम जगहों पे बड़ा साहस का कार्य है। नहीं मम्मी पापा भी हमारे आ रहे हैं। ए प्रियांशु, नंबर चाहिए तो वहाँ लिखा रहता है। चार पंक्तियां रखता हूँ, कल रात को मैंने आकाश भाई के संयोजन में पंक्तियां लिखी, अगर सही लग जाए और समझ में आ जाए। आगे के पंक्तियों पे कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जिनको ये पंक्तियां मुझे लगता है कि नहीं समझ में आएंगी, लेकिन युवाओं आप सभी का साथ चाहूंगा, रविंद्र दादा आप समझ जाएंगे। सुनिएगा कि हाट सा मैंने अपना लुक कर लिया, हाट सा मैंने अपना लुक कर लिया, अपने मन को बहुत उत्सुक कर लिया, और उसने जो है दिया एक इशारा सुनो, ओ रूम भी मैंने बुक कर लिया। वाह, ओ रूम भी मैंने, वो जो खड़े होके बजा रहे हो ना तुम ही बुक किए थे भाई। चलिए हाँ, ये मैं सीधे सीधे एक क्षण रखकर अपना स्थान ले लेता हूँ। स्वागत है भाई। हमारी चाबी ले कौन भागा था वो तो बताओ। सुनिएगा, मैं एक क्षण रखता हूँ आप लोगों के सामने। एक दिन मेरी प्रेमिका ने मुझसे कहा कि मेरे सौंदर्य पर कुछ लिखो, तो मैंने एक छंद लिखने का प्रयास किया, बलवंत सर की उपस्थिति में, अमिता मैम की उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात है भाई, पढ़ो। कि केस घन के समान अधरों की मुस्कान, कोमल कपोल को गुलाब लिखना पड़ा, केस घन के समान अधरों की मुस्कान, कोमल कपोल को गुलाब लिखना पड़ा, और देख तेरा प्रतिरूप अब भी नशा है खूब, यौवन को तेरे तो शराब लिखना पड़ा, यौवन को तेरे तो शराब लिखना पड़ा, और चूमने का हुआ मन मेरा चांदनी सतन, चूमने का हुआ मन तेरा चांदनी सतन, आदत को अपने खराब लिखना पड़ा। और साथ अगली पंक्तियां उठाइएगा कि चूमने का हुआ मन तेरा चांदनी सतन, आदत को अपने खराब लिखना पड़ा, और सादगी सहजता सरलता थी इतनी की सौंदर्य पे उसके किताब लिखना पड़ा, सादगी सहजता सरलता थी इतनी की सौंदर्य पे उसके किताब लिखना पड़ा। वाह, बहुत अच्छा। वाह, चंदन भाई का तो मैं पैर छूने जा रहा था। विसंगतियां मेरे साथ हो जाती हैं। एक बार मेरे पापा मुझे गए स्टेशन पे छोड़ने, तो मैंने क्या किया, कुली का पैर छू लिया और पापा को बकस पकड़ा दिया। विसंगतियां हो जाती है मेरे साथ। तो मैं एक गीत छोटा सा रखकर अपना स्थान ले लेता हूँ। तोता मंडू का गीत है कि जब सुबह सवेरे उठकर तुमने दर्पण में देखा होगा, जब खींच लो, आराम से खींच लो, फोटो मेरी अच्छी नहीं आती, खींच लो, लेकिन कि जब सुबह सवेरे उठकर तुमने दर्पण में दे, अच्छा ये बड़े एंगल से खींचते हैं, एक बार इधर जाएंगे एक बार उधर जाएंगे, जितनी उंगलियां करने के सब आप ही के हैं। सुनिएगा, एक अच्छा फोटोग्राफर वही व्यक्ति बन सकता है जिसको दूसरों के घरों में फोटोग्राफर की बेइज्जती भी होती है। अच्छा, ये साहब कोई कर नहीं पाता बीच में आकर पढ़ने की। कि जब सुबह सवेरे उठकर तुमने दर्पण में देखा होगा, जब बार बार तुमने सबको कुछ कहने से रोका होगा, तब देख मुझे चलचित्र पे यूं ही शायद इतराई होगी, कहो प्रिय तब मेरी याद तुम्हें आई होगी, वाह 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 वाह, कहो प्रिय तब मेरी याद तुम्हें आई होगी। गीत का अंतिम मंदर अपना स्थान लेता हूँ। जब रात सारंग देख कर मन अतरंग हुआ होगा, अच्छा। सारंग का अर्थ है चंद्रमा। जब रात सारंग देख कर मन अतरंग हुआ होगा, जब ध्यान तुम्हारा सबसे हट कर शायद भंग हुआ होगा, जब तुमने तस्वीर हमारी तकिए में छुपाई होगी, कहो प्रिय तब मेरी याद तुम्हें आई होगी, कहो प्रिय तब मेरी याद तुम्हें आई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।